आश्चर्यजनक घर का सपना दिखाकर मेरठ के सैकड़ों लोगों को रियल एस्टेट कंपनी अंसल ने करोड़ों रुपए ठग लिए हैं। एक दशक पहले बुक कराए गए घर आवंटियों को अब तक नहीं मिले हैं, जबकि 70% तक पैसे का भुगतान कर दिया गया। शिकायत करने पर आवंटियों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मेरठ में अंसल ग्रुप के चेयरमैन अनुज सेठी समेत कंपनी के 7 अफसरों पर केस दर्ज किया गया है। देखिए रिपोर्ट। धोखेबाज अंसल ने ठगे सैकड़ों आवंटी, 10 साल में भी नहीं मिला सपनों का आशियाना। अवैध निर्माण करके तोड़ डाले हैं नियम। गरीबों को घर देने के लिए वसूले थे रुपए, आशियाना देने की बजाय मौत की धमकियां। मेरठ के छोटे से कारोबारी दिनेश सिंह लंबे अरसे से किराए के मकान में अपने दिन काट रहे हैं। उन्होंने साल 2013 में अपने निजी आशियाने की ख्वाहिश में मेरठ में अंसल ग्रुप के प्रोजेक्ट सुशांत सिटी का एक फ्लैट बुक कराया था। 2 लाख रुपए देकर उन्होंने अंसल के आस्था अपार्टमेंट में खुद और अपने भाई के लिए घर लिया था। हर महीने ब्याज समेत किश्तें चुकाई, लेकिन 6 महीने में फ्लैट देने का अंसल का वायदा 10 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। 2-3 साल पहले अंसल के अफसर उन्हें दिल्ली लेकर गए और फ्लैट देने की बजाय मुंह बंद रखने के लिए धमकाना शुरू कर दिया। लंबी जांच पड़ताल के बाद अब दिनेश सिंह की शिकायत के बाद अंसल के मालिक और अफसरों पर केस दर्ज किया गया है। फ्रॉड की धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें अंसल ग्रुप के कर्मचारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। मुख्य रूप से थाना क्षेत्र टीपी नगर में ही एक सुशांत सिटी के नाम से टाउनशिप डेवलप हो रही थी, जिसमें कई लोगों ने अपने फ्लैट बुक कराए थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनको फ्लैट पे कब्जा नहीं दिया गया है और उनके द्वारा पेमेंट भी जो किया गया है उसके लिए डिले का उनको जो इंटरेस्ट आदि मिलना चाहिए था वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को लेकर ये अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, किया गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन थाना टीपी नगर पुलिस द्वारा संपादित की जा रही है। दिनेश सिंह और पुलिस की पड़ताल में मालूम हुआ कि अंसल ने आस्था अपार्टमेंट के नक्शे के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण से 266 फ्लैटों की मंजूरी ली थी, लेकिन मौके पर 312 फ्लैट बना दिए गए। दिनेश सिंह का दावा है कि मौके पर मौजूद फ्लैट से ज्यादा 320 लोगों को फ्लैट कागजों में बेच दिए गए। जो फ्लैट मौके पर मौजूद है उनको तैयार करने के लिए अंसल ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए 10 साल बीतने के बाद भी आवंटियों को उनके फ्लैट नहीं मिल सके। अंसल के ऊपर मेरठ विकास प्राधिकरण का करोड़ों रुपया भी बकाया है, जिसके चलते अपार्टमेंट पर सील लगा दी गई है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की। थाना टीपी नगर के अंतर्गत कुछ वादियों के द्वारा ये बताया गया कि आज से लगभग 7-8 साल पहले उनके द्वारा अपना फ्लैट और को बुक कराने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे, लेकिन आज तक नहीं उनका कोई फ्लैट या ना ही उनकी कोई जो भी उनके चीज़ें उनको मिलनी थी वो नहीं मिल पाई आज तक, और वो पैसा भी उनके पास वो वापस नहीं दे रहे। इस आधार पर थाने के अंतर्गत जाँच के उपरांत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बरसों लगे जाँच में और जाँच को FIR की सख्त लेने में। पुलिस ने यह मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही आगे की पड़ताल। केस के विवेचना अधिकारी कहते हैं कि आरोपी बड़े आदमी हैं और पुलिस का फोन नहीं उठाते। पुलिस के पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे बड़े आदमी फोन उठाएं, लेकिन पुलिस उन्हें कष्ट नहीं देना चाहती, इसलिए उन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।